हेलो गाइस। तो गाइस आज मैं आपको अपने सारे सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। और गाइस ये मेरा सैलून, हेलो गाइस। तो गाइस कैसे आप लोग? मैंने बोला था आप लोगों से जल्दी मिलेंगे हम वीडियो में। तो गाइस पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि केस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम हमारे दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, पूरे देश में इस टाइम, पूरा देश इस टाइम फिर दोबारा से हमारा खतरे में आ चुका है। तो सबसे विनती है कि मास्क का बहुत ध्यान रखे और भीड़ भड़क्के में दूरी का बनाकर चले। 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, क्योंकि हर चीज़ का ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाला टाइम हमारे ही लिए बहुत मुसीबत हो सकता है। तो प्लीज़ गाइज सभी से विनती है कि सब भीड़ भड़क्के में बड़ा दूरी बना के रखें और बिना मास्क के ना जाए मार्केट में। मार्केट में नहीं, कहीं पर भी अगर आप जा रहे हो तो बिना मास्क के ना जाए, ठीक है गाइस? तो गाइस आज हम जिस टॉपिक पे आए हैं वो टॉपिक है ओनली फॉर जेंट्स के लिए। तो जेंट्स मेरे पास काफ़ी वो आई है जेंट्स के लिए मेरे क्लाइंटों से कि आप लोग हेयर सेट कर देते हो सैलून पे, मगर हमसे घर पे वो चीज़ सेट नहीं हो पाती है, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट कि हो भी नहीं पाती है, और दूसरा कि उन्हें वैक्स के और स्प्रे के बारे में यूज़ नहीं पता तरीका। तो गाइस हम उसी चीज़ के बारे में आज बताने जा रहे हैं, वैक्स और स्प्रे के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताने जाऊँगा वैक्स के बारे में, ठीक है? वैक्स आप कोई सी भी कंपनी की यूज करो, ठीक है? स्प्रिंग वाली भी आती है, स्प्रिंग वाली बोले तो उसको हाथ में लेकर उसमें स्प्रिंग सी निकलती है, ठीक है? वो सबसे बेस्ट होती है वैसे। और मैं 5G की बात करूँ, ठीक है? तो ये है हमारी 5G, ठीक है? तो गाइस अगर आप इसको यूज करते हो, ठीक है, पार्टी वाल्टी में जाना है आपको, स्पाइस करने हैं, थोड़ा सा बाउंस करना है या कुछ भी करना है, तो गाइस इसको कैसे यूज करना है बताता हूँ आपको इसका तरीका। गाइस इसमें से हम थोड़ी सी वैक्स निकालेंगे, ठीक है? हमने हाथ पे लिया, हाथ पे लेने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइस आपको, आपके बालों में थोड़ा सा वेट लुक चाहिए, वेट चाहिए, मतलब वेट मींस बोले तो थोड़ा सा विंटर होना चाहिए, मतलब गीले बाल होने चाहिए हल्के से, ठीक है? या आप इस वैक्स के अंदर हल्का सा 1 या 2 ड्रॉप्स सीरम मिक्स करके लगा सकते हो, जिससे कि बाल डैमेज नहीं हो सकते। और गाइस एक चीज़ का और ध्यान रखोगे कि जब आप वैक्स यूज कर रहे हो तो इसको यूज करने के बाद आपने हाथ पे लिया तो आप स्कैल्प पे नहीं मारोगे, ऐसे स्कैल्प पे ऐसे नहीं मारना है, क्योंकि अगर आप इसको स्कैल्प पे लगाओगे तो होगा क्या, अभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा, इसका इफ़ेक्ट आपको पता चलेगा 2-3 मंथ या 6 मंथ के बाद। और इफ़ेक्ट क्या पता चलेगा? बहुत बुरा, बहुत बुरा बोले तो। गाइस मैंने आपको पहली वीडियो में भी यही बताया था कि हेयर और फेस के मामले में कभी भी कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है गाइस? तो ये फोर्स 2 या 3 या 6 मंथ के अंदर ये क्या इफ़ेक्ट करेगा गाइस, आप सोच नहीं सकते, ये इतना गंदा इफेक्ट करेगा। वैक्स अच्छी चीज़ है, यूज करना अच्छी चीज़ है, मैं मना नहीं करूँगा कि वैक्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी यूज करते हैं, इसके बिना स्पाइस वगैरह लुक वगैरह नहीं बन पाता है। मगर यूज करने का तरीका जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि आप इसको स्कैल्प पे नहीं लगाओगे, ठीक है?
आप पहले ड्रायर से अपने बालों को जैसा भी आपको बाउंस बनाना है या कुछ भी करना है आप ड्रायर से वैसे कर लोगे। उसके बाद आपने वैक्स लिया, वैक्स लेने के बाद आप ऊपर ही ऊपर बालों पे ऐसे ऊपर ही ऊपर बालों पे आपको लगा देना है। स्कैल्प बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी आपका स्कैल्प नहीं जाना चाहिए। ओके गाइस, तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि वैक्स यूज करने का तरीका कैसा है कि इसको स्कैल्प पे यूज ना करें। अब मैं इसके नुकसान बताने वाला हूँ कि इससे नुकसान क्या है। अगर आप इसको स्कैल्प पे लगाओगे 2 या 3 या 6 मंथ बाद जो इसका सबसे गंदा इफेक्ट आने वाला है वो आने वाला है आपको बालों में हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बालों में डैंड्रफ आना स्टार्ट हो जाता है। जब आपके हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो इतना हेयर फॉल स्टार्ट होगा, इतना फॉल हेयर फॉल स्टार्ट होगा कि आपका जो है गंजापन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप पछताओगे ना कि मैंने वैक्स यूज बहुत करी। मुझे बहुत क्लाइंटों ने यह बताया है मेरे सैलून पे कि ये वैक्स का ही नतीजा है भैया, देख लो। मैंने कहा सर आपको जिसने भी गाइड किया है वैक्स यूज करने के लिए शायद आपको उसने समझाया नहीं है कि वैक्स को यूज कैसे किया जाता है। तो गाइस ध्यान रखना आगे से, इसीलिए मैं अपनी सारी वीडियो बना रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे किसी भी मेरे क्लाइंट को या कोई भी हो किसी को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो गाइस मैं यही बोलूँगा कि जो भी हेयर ड्रेसर है अच्छे से गाइड करे अपने क्लाइंटों को कि वैक्स को कैसे यूज करना है, स्प्रे को कैसे यूज करना है ताकि उनको हेयर फॉल की दिक्कत ना आए, तो वो गंजेपन हो जाता है वो दिक्कत ना आए, क्योंकि वो अभी तो यूज कर लेते हैं वैक्स मगर बाद में उनको 6 मंथ या किसी को 1 साल या 1.5 साल के बाद भी पता चलता है यार मेरे तो बाल ही उड़ गए वैक्स यूज करी थी या बाल वाइट भी हो गए मेरे, ठीक है। तो गाइस ये वाइट तो नहीं करती है मगर हाँ ये हेयर फॉल जरूर स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो इसको यूज करने का तरीका बता दिया है कि स्कैल्प पे नहीं लगाना, ऊपर ही ऊपर लगाना है इसको, ठीक है। पहले आप ड्रायर से बालों को जैसे खड़ा करना है कड़ा स्पाइस लुक जैसे भी करना है कर लोगे, उसके बाद लेके ये ऊपर ही ऊपर लगाना है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर स्कैल्प पे नहीं टच होना है बस। अब बात करते हैं स्प्रे की, ठीक है गाइस। तो मैंने स्प्रे बहुत से क्लाइंटों ने मुझे ये बताया है कि भैया हम तो ऐसे ड्रायर मारते हैं, ड्रायर मारने के बाद ऐसे मारते हुए चले जाते हैं, उनके स्कैल्प पे जा रहा है। जब ये स्कैल्प पे लगता है तो गाइस ये ठंडा लगता होगा, सबको लगता है ना। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जब आप स्प्रे करते हो तो आपको ठंडा लगता है या नहीं लगता है। लगता है ना ठंडा, तो आपको लगता होगा कि जो इसका जो इसमें अंदर है केमिकल वो ठंडापन देता है। नो गाइस गलत, क्योंकि ये अगर आपकी स्कैल्प पे लग रहा है तो सेम काम ये जो आपकी जो वैक्स काम कर रही है वही काम ये करेगा, ये भी आपके बालों को हेयर फॉल डैंड्रफ ड्राई बाल कर देगा, रफ बाल कर देगा, तो ये भी वही काम करता है। तो दोस्तों इसको भी कैसे यूज करना है, इसको भी आपने स्पाइस किया, ठीक है, बालों को ड्रायर किया, ड्रायर करने के बाद जब इसे आप एक चीज़ और ध्यान रखोगे, जब आप आगे की साइड अपना खुद का करते हो तो इसको ऐसे यूज करना है ऊपर ऊपर, ठीक है, ऐसे यूज करना है ऐसे ऊपर, ना कि स्कैल्प पे मारना है। आपने बाउंस में दिया, बाउंस में ऐसे हाथ ले गए ऊपर, ऐसे ऊपर आपने हाथ मारा, ठीक है, हाथ मारने के बाद इसको स्प्रे करते चले जाओगे ऐसे, यानी कि ये स्कैल्प पे टच नहीं होगा। और अगर ये स्कैल्प पे टच नहीं होगा तो मैं गारंटी लेता हूँ गाइस आपको गंजापन जो आपकी कंप्लेंट है आ रही है कि मेरे हेयर फॉल हो जाता है, मेरे डैंड्रफ हो जाता है, मैं वैक्स यूज करता हूँ, जो कंप्लेंट है वैक्स और स्प्रे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कंप्लेंट आपको नहीं मिलेगी। तो गाइस बताना मुझे और लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहे, मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियो बताता रहूँगा, लेडीज़ की भी बताऊँगा, मैं जेंट्स की भी बताऊँगा, मैं आपको हर चीज़ की ऐसी नॉलेज दूंगा जो आप घर पे यूज करते हो तो आपको पता रहे कि इस चीज़ को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी और कुछ अच्छा लेकर आऊँगा मैं। और मुझे प्लीज़ इसमें कमेंट जरूर करना, सारे मेरे फ्रेंड मेरे क्लाइंट जो भी है, जो सब लोगों का मुझे प्यार मिला इतना, मुझे कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस ध्यान रखना वैक्स और स्प्रे कैसे यूज करना है, ठीक है, और ड्रायर भी कम से कम यूज करने की कोशिश करो करो, ड्रायर भी ज़्यादा यूज मत करो करो क्योंकि ड्रायर भी हमारे बालों को डैमेज करता है। ओके फ्रेंड्स, ओके बाय।